नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर 33 स्टेट लेजिस्लेचर में आपका स्वागत है। ये जो चैप्टर नंबर 33 है, इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेचर का बेसिक इंट्रोडक्शन, मेथड ऑफ अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको पता है स्टेट लेजिस्लेचर में जहाँ जहाँ पे भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद होता है। अभी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने का क्या तरीका है और बने हुए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करने का क्या तरीका है, उसको देखेंगे। दोनों चीज़ें करने की ताकत पार्लियामेंट के पास है। कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे होती है, किस प्रकार से डिसाइड करती है, और कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ये कैसे होता है, तो इन सब चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप जेन्युइन डाउट्स पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की PDF और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल पर ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं और कुछ और वीडियोज़ का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो भैया, जैसे कि पार्लियामेंट का सेंटर में एक बहुत पिवोटल रोल है, आप कह सकते हो कि हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट इज़ बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सेंटर में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे स्टेट्स राज्यों में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर एक मेजर रोल प्ले करता है एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न। इसके लिए आर्टिकल्स क्या दे रखे हैं, तो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है आर्टिकल 168 टू 212, आर्टिकल 168 से 212 इन पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डील करता है किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। बहुत हद तक ये जितने भी चीज़ें हैं आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक की, दे आर वेरी मच पैरेलल टू द पार्लियामेंट, बट बहुत से डिफरेंसेस। ऑब्वियस ही बात है, पार्लियामेंट को आप सीधे सीधे स्टेट लेजिस्लेचर से कंपेयर नहीं कर सकते, ये दोनों बहुत अलग ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहला तो आप देखिए कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है दोस्तों, वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। अभी अलग अलग स्टेट की आबादी अलग अलग है, अलग अलग स्टेट के कल्चर अलग अलग है, तो ऑब्वियस ही बात है अलग अलग स्टेट का जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा उसका कंपोजिशन अलग अलग है। पहली बात तो कुछ जगहों पे यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर है, कुछ जगहों पे बाइकैमरल। अभी यूनिकैमरल और बाइकैमरल क्या होगा ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में तोड़ने के बाद 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। वो 6 स्टेट्स कौन से हैं, तो एक है आपका आंध्र प्रदेश, एक है बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी, ठीक है, और एक और है इसमें उत्तर प्रदेश नहीं लिख रखा है। तो यहाँ पे एक मिनट, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, J&K की जगह यहाँ लिख लीजिए तेलंगाना। ओके, तो ये 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। J&K में भी था, J&K जब तक बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, जब तक वो स्टेट था, तब तक 7 ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, अभी के लिए 6, क्योंकि J&K इज नो मोर अ स्टेट, ठीक है। और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में वहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं। तो 22 स्टेट्स ऑफ इंडिया में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं और दो यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी, वहाँ पे भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। अभी J&K का जो लेजिस्लेचर है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए उसका स्ट्रक्चर क्या है। मैं कई बार आपके साथ एडिटोरियल में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो भैया, अभी के लिए 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया दे हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो जा चुका है। ऑब्वियस ही बात है जम्मू एंड कश्मीर में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, भले जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरेटरी है, वहाँ पर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी, ये चलिए मैंने ही आपको बता दिया। अब क्या यही वो स्टेट्स हैं दोस्तों जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रहा है, ये 6, या कोई और ऐसा स्टेट नहीं रहा जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहा है? देखिए, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट ऑफ 2010, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट ऑफ 2010 के थ्रू ये बोला गया कि भैया तमिलनाडु में हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल लेके आएंगे, बट वो नहीं आ पाई, क्योंकि बाद में तमिलनाडु की सरकार ने फिर से एक रेजोल्यूशन पास करके बोल दिया कि हमको नहीं चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल। आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, देखिए आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005 के थ्रू
आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिवाइव किया गया था। पहले आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया था। कब किया गया था उसको भी आके देखेंगे। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 जब आया था, जब स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था, उस समय पर यह बोला गया था कि मध्य प्रदेश में भी हम लोग एक लेजिस्लेटिव काउंसिल लेके आएंगे, लेकिन कभी ये नोटिफिकेशन आया ही नहीं और आज तक मध्य प्रदेश के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, वो केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से काम कर रहा है। तो 22 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जहां पे यूनिकैमरल सिस्टम है, तो जहां पे यूनिकैमरल सिस्टम होता है वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आती है और गवर्नर आता है, और जहां पे बाईकैमरल सिस्टम होता है वहां पे गवर्नर के साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये तीनों आ जाते हैं दोस्तों। अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस को आप विधानसभा बोल सकते हो, अपर हाउस को आप विधान परिषद बोल सकते हो। फिर बात की जाए दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना या अबॉलिश करना। देखिए किसी भी स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को अबॉलिश करना या बनाना, इसकी ताकत यूनियन पार्लियामेंट के पास है। यूनियन पार्लियामेंट एक लॉ बना के किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना सकती है, हटा सकती है, बशर्ते इस लॉ को लाने से पहले उस पर्टिकुलर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक रेजोल्यूशन पास करे बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी क्या है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं पहले की वीडियोज देखी जाके, कई बार मैंने आपको समझाया बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के साथ। तो भैया सीधी सीधी बात बोली गई है कि पार्लियामेंट के पास ताकत है किसी भी स्टेट में, तो कल की डेट में अगर नागालैंड में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो पार्लियामेंट नियम कानून पास करके स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकती है नागालैंड में। अगर उत्तर प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश करना है तो पार्लियामेंट एक रेजोल्यूशन पास करके अबॉलिश कर सकती है। अब बात यह है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश को अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश करवानी है, तो पहले तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी बाय स्पेशल मेजॉरिटी कि आप हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश कर दो, और इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद चीज जाएगी पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से अगर ये इशू पास हो जाता है मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यूपी की अबॉलिश हो जाएगी। ये तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अच्छा एक बात, इस रेजोल्यूशन को यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना है या हटाना है, इस रेजोल्यूशन को अगर आप स्टेट लेजिस्लेचर से जब पास कराओगे तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, लेकिन फाइनली जब आप इसको बना रहे होगे या हटा रहे होगे इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो रेजोल्यूशन पास कराया जाएगा, जो एक्ट आएगा, दैट विल नॉट डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आर्टिकल 368 के अंदर नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 368 में दोस्तों पास कराने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, या दो तरीके की स्पेशल मेजॉरिटी होती है, या तो स्पेशल मेजॉरिटी थ्रू आप कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अमेंड कर दो, या फिर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाई 50% ऑफ द स्टेट्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक एक्स्ट्रा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जोड़ रहे हो तो आपको आर्टिकल 368 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू एक एक्ट पास करा दीजिए पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना दीजिए, ये हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया कि भाई जब ये बात हुई संविधान में, संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो हमारा संविधान बना रही थी, जब वहाँ पे बातचीत हो रही थी कि भाई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जानी चाहिए तो नहीं बनाई जानी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस आइडिया को बहुत हद तक क्रिटिसाइज किया गया। लोगों ने बोला कि आप ये जो सेकेंड हाउस बना रहे हो स्टेट लेजिस्लेचर में, इससे आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस को डिले कर रहे हो, क्योंकि एक हाउस होगा वो जल्दी बिल पास करेगा, दो हाउस होंगे वो जल्दी बिल पास नहीं करेंगे, फिर एक एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ जहाँ पे भी ये सेकेंड लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे भैया पूरा सचिवालय बनाना पड़ेगा, उन लोगों को तनख्वाह देनी पड़ेगी, उनके रहने खाने की जगह है, तो ऑब्वियस ही बात है खर्चा बढ़ेगा इन चीज़ों में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है चूंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है तो वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो यहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो बहुत हद तक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो सकती है, ओके। उसके बाद ये भी बोला गया और बहुत सारे लोगों ने इस बात से वाकया रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि ठीक है भाई, जिस स्टेट को लगता है कि उनके पास इतना पैसा है, उनको इतनी जरूरत है कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए, वो स्टेट्स रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को बोल सकती हैं कि भाई हमारे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दीजिए। तो आंध्र प्रदेश को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मिली 1957 में, 1957 में
1985 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश को डिसॉल्व कर दिया गया और बाद में फिर से 2007 में आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना दिया गया थ्रू द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट ऑफ 2005। तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको 1986 में अबॉलिश कर दिया गया था। पंजाब और वेस्ट बंगाल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको 1969 में अबॉलिश कर दिया गया था। 2010 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तमिलनाडु की, उसने एक रेजोल्यूशन विद स्पेशल मेजॉरिटी पास किया कि भैया हमारे स्टेट में फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए। लेकिन उसके जस्ट बाद 2010 के बाद आप 2011 में देखोगे एक रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने बोला कि नहीं भाई हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं चाहिए। तो 2010 में तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या बोलती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या बोलती है कि हमको काउंसिल चाहिए, और 2011 में वही असेंबली बोलती है हमको काउंसिल नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है तमिलनाडु में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आज के लिए नहीं है। फिर जल्दी से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है, यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात हो रही है। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली में वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होके आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करिए तो किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 500 और उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 60। तो 500 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होंगे किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में और 60 से कम मेंबर्स नहीं होंगे किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब आपसे एक मेरा सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए हमारे देश का वो कौन सा राज्य है जहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज्यादा मेंबर है, पहला सवाल। हमारे देश का वो कौन सा राज्य है जहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे कम मेंबर है, दोनों के आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा, इनके केस में मिनिमम 30 मेंबर्स होने चाहिए इनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। मिजोरम और नागालैंड के केस में, मिजोरम के केस में एटलीस्ट 40 मेंबर्स होने चाहिए, नागालैंड के केस में एटलीस्ट 46 मेंबर्स होने चाहिए। ये मिनिमम लिमिट है, इससे ज्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्ट्रेंथ की बात कर ली, हम नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स में क्या आता है, द गवर्नर कैन नॉमिनेट वन मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। भाई ये चीज हो चुकी है, हट गई, ओके। ऑब्वियसली बात है दिस थिंग हैज गॉन, द गवर्नर कैन नॉमिनेट वन मेंबर फ्रॉम एंग्लो अफगान इंडियन कम्युनिटी, हटा चुका है। 104 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 25 जनवरी 2020 को प्ले में आया, इसने क्या किया, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एससी एसटी रिजर्वेशन था उसको 10 साल के लिए बढ़ाया। साथ साथ एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन था लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इसको परमानेंटली अब खत्म कर दिया गया। तो भैया ये जो एक मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेट किया जाता था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यह प्रोविजन अब खत्म हो चुका है, ओके। फिर आगे बात करते हैं भाई किसकी, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। देखिए इलेक्शंस को कंडक्ट कराना है असेंबली में, तो असेंबली में जितनी भी सीटें हैं 100 हैं 200 हैं, उतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको स्टेट में बनानी पड़ेगी और उन कॉन्स्टिट्यूएंसी को डीमार्केट करना पड़ेगा। और उन कॉन्स्टिट्यूएंसी को कुछ इस हिसाब से बनाना है कि मान लीजिए एक स्टेट की आबादी है अगर टू बी हाइपोथेटिकल 1,00,000 और उस स्टेट में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,000 के लगभग लोग हों। एज सिंपल एज दैट, मैं बिल्कुल बेसिक भाषा में चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये कॉन्स्टेंट होना चाहिए ओवरऑल स्टेट के लिए। पहले क्या होता था दोस्तों कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक से ज़्यादा मेंबर इलेक्ट हो सकता था, अब नहीं है, अभी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर इलेक्ट होगा। तो पूरे स्टेट की आबादी अगर हाइपोथेटिकली 1,00,000 है और उस पूरे स्टेट में 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तो आप कोशिश करिए कि उन 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस प्रकार से डिमार्केट करें कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 10,000 लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए आप कौन से सेंसस को मानोगे, तो पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस है आप उसको मानोगे, लेकिन उस चीज को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया है, अभी के लिए 1971 वाले सेंसस को ही माना जा रहा है, इस पे भी आते हैं। बात करते हैं यहाँ पे रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस। देखिए जब भी सेंसस हो जाएगा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेंसस हो जाने के बाद क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट, इसको रीएडजस्ट करना है। हर स्टेट में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को किस प्रकार से बांटा जाए इसको देखना है। तो भैया हर सेंसस के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें होंगी ये देखनी है, दूसरी बात एक स्टेट को कितनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटना है, किस प्रकार से बांटना है, ये देखा जाएगा हर सेंसस के बाद।
अभी इस चीज के लिए पार्लियामेंट सेटअप करता है डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन काफी ताकतवर होता है। डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस के अगेंस्ट तो आप सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं जा सकते। यहां पे कैच है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ द सीट्स इन द असेंबली फिक्स रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये समझिए बात को। पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स को लागू करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स को लागू नहीं करोगे तो पॉपुलेशन तो बढ़ती चली जाएगी, और पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो आप नंबर ऑफ सीट्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी बढ़ाते जाओगे। तो भैया ओवरऑल पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर आप हर साल सीटों को बढ़ाते हो तो वो ठीक नहीं है। इसलिए सरकार ने बोला कि नहीं भाई, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये बोलता है कि 2000 तक 1971 की जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें रखी जाएंगी। और बाद में 84वां अमेंडमेंट एक्ट आया 2001 का, 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 क्या बोलता है कि भाई 2026 तक पॉपुलेशन जो 1971 वाले सेंसस वाली थी हम वही मानेंगे और उसी के हिसाब से टोटल सीट्स होंगी। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से जो इतनी आबादी बढ़ गई उसके हिसाब से हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ाएंगे, ये बोला गया। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी उसके लिए तो सेंसस रख दिया गया 1971, लेकिन कुछ चेंजेस किए गए। देखिए आपने टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को उसको फिक्स रख दिया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो असेंबली सीट्स में डिलिमिटेशन किस हिसाब से होगा। यानी मान लीजिए किसी एक स्टेट की जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से मान लीजिए 10 है, तो अभी आप उस स्टेट को 10 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में तोड़ोगे ना, वो काम तो आप लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से करो तो बढ़िया रहेगा। आपका तो ये मतलब था कि ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाने के लिए कहीं आबादी ना बढ़ाने लगे स्टेट, तो उसके लिए तो आपने 1971 के सेंसस के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ सीट्स को फिक्स कर दिया है, लेकिन जितनी सीटें फिक्स हैं उनको तो लेटेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से डिमार्केट कर दो। इसके लिए आया गया 84वां अमेंडमेंट एक्ट 2001 जो कि बोलता है कि 1991 के सेंसस के हिसाब से आप रीएडजस्टमेंट और आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। ठीक है, समझ गया बात को, मतलब कि ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो फिक्स रहेंगी, उनका जो रीएडजस्टमेंट है और रैशनलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वो किया जा सकता है किसके हिसाब से, 1991 के सेंसस के हिसाब से, किसमें, किसके थ्रू, 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के थ्रू। और फिर आया 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 जिसने बोला कि नहीं भाई 2001 के सेंसस के हिसाब से आप रीएडजस्टमेंट कर सकते हो स्टेट की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। फिर आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी। देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें रिजर्व्ड हैं। पहले जब ये रिजर्वेशन लेके आया गया था तो 10 साल के लिए लेके आया गया था अप टू 1960, उसके बाद उसको बार बार आगे बढ़ाया गया है। रिसेंटली 2019-2020 में फिर से एक ऐसा अमेंडमेंट एक्ट आया है जिसने रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया है। वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है, तो भाई थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्कस कर लिया, अब क्वेश्चंस में क्या ही पूछूं आपको। एससी एसटी रिजर्वेशन एक्सटेंडेड फॉर 10 ईयर्स, 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने एससी एसटी के रिजर्वेशन को और 10 साल से बढ़ा दिया है। और एंग्लो इंडियन का जो नॉमिनेशन था एक मेंबर टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दो मेंबर टू लोकसभा, उसको भी खत्म कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ। देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मेंबर्स होते हैं उनको स्टेट की जो जनरल पॉपुलेशन है वो चुनती है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को स्टेट की जनरल पॉपुलेशन नहीं चुनती, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरशिप के एक तिहाई से ज्यादा नहीं हो सकते स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो सकती है, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। और इसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो कितनी होगी, वो 40 होगी। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर जब टूटा नहीं था तो उसके 36 थे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट जम्मू एंड कश्मीर अब है नहीं तो उसके बारे में बात करने का कोई मतलब है नहीं। एक पर्टिकुलर स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर वो होती है बाइकैमरल में कितने मेंबर्स होंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अगर एक लिमिट से ज्यादा आप मेंबर भर दोगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ओवरऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की औकात कम हो जाएगी, और कहीं ना कहीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली डायरेक्टेड है, तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अफेयर्स में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की ज्यादा चले तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि भैया मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो 1/3 मेंबर्स को कौन चुनते हैं, लोकल बॉडी जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले वोट डाल के 1/3 ऑफ द मेंबर्स चुनते हैं।
एक बटी तिहाई ऑफ द मेंबर्स को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चुनते हैं फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन जो कि असेंबली के मेंबर नहीं है। तो जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं वो एक तिहाई ऑफ द सीट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल चुनेंगे, उन लोगों में से जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं है। तो एक बटे तिहाई हो गया। एक बटे बारह को चुनते हैं ग्रेजुएट ऑफ थ्री ईयर स्टैंडिंग रेजिडिंग इन द स्टेट, और एक बटे बारह को चुनते हैं टीचर्स ऑफ थ्री ईयर स्टैंडिंग इन द स्टेट नॉट लोअर देन स्टैंडर्ड इन सेकेंडरी स्कूल, यानी कम से कम सेकेंडरी स्कूल में तो पढ़ा ही रहे। और बाकी को गवर्नर नॉमिनेट करेगा कहाँ से, फ्रॉम पर्सन हैविंग अ स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर साइंस आर्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। तो ओवरऑल 5/6 ऑफ द मेंबर्स, लगभग 83.33% ऑफ द मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ नॉमिनेट भी हो रहे हैं। लगभग 16.66% यानी 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। ये इलेक्शन होते किस हिसाब से, तो ये होते हैं बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को अगर आपको समझना है तो मेरी प्रेसिडेंट वाली वीडियो जाके देखिए, वहां पे मैंने आपको चीजें समझा रखी हैं। एक और खास बात दोस्तों, जो गवर्नर का नॉमिनेशन होता है ना, ये गवर्नर 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट कर रहा है अगर उन्होंने कोई स्पेशल सर्विस की है तो। उस केस में गवर्नर ने जिस भी आदमी का नॉमिनेशन किया है उसने सही नॉमिनेशन किया है या गलत नॉमिनेशन किया है, इसकी इंक्वायरी किसी भी कोर्ट में नहीं होगी। तो किसी भी कोर्ट में आप इसलिए नहीं जा सकते बोल के कि भैया इस गवर्नर ने इस पर्सन को टू बी अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉमिनेट किया है, ये गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ओके, और सबसे खास बात दोस्तों ये है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या कंपोजिशन होगा, ये कैसे काम करेगा, इन सब चीजों के बारे में जो चेंजेस हैं वो अभी इम्बाइब किए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा है वो एक टेंटेटिव है, एक बेसिक लेआउट है, उसको बाद में बदला जा सकता है। वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को बदला जाए इसके चांसेस बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। डायरेक्टली इलेक्टेड लोग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की ताकत को ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, और अभी के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल उतनी ताकतवर है नहीं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करने की, उसको बनाने की अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया तो लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।